भारतीय जनता पार्टी अगर नैतिकता के स्तर पर आज इस्तीफा दे दे उत्तर प्रदेश से, निश्चित उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वाली नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी निश्चित सरकार बना लेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की झोली भर दी है। सांसदों का नंबर इतना है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। देश भर में सांसदों की संख्या के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश का आधा से ज्यादा हिस्सा सपा के लाल रंग से रंगा नजर आ रहा है। खास बात यह है कि सपा को जनता का यह समर्थन उस दौर में मिला है जब योगी के बुलडोजर की देश भर में चर्चा है, माफियाओं को ठोक देने का उनका दावा है और राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण हो चुका है। इसलिए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को इतनी शक्ति दे दी है कि अब शिवपाल यादव सीएम योगी को चैलेंज दे रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें, यूपी में चुनाव करवा दें तो सपा की सरकार बन जाएगी। आज अगर चुनाव उत्तर प्रदेश में हो जाए, और इसलिए कि देखिए जो परिणाम आज आए हैं समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी अगर नैतिकता के स्तर पर आज इस्तीफा दे दे उत्तर प्रदेश से और सरकार इस्तीफा अगर दे देती और चुनाव करा देते हैं तो निश्चित उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वाली नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी निश्चित सरकार बना लेगी। शिवपाल यादव यूं हवा में बातें नहीं कर रहे हैं बल्कि इसके पीछे आंकड़ों की शक्ति बता रहे हैं, जनता के जनादेश का हवाला दे रहे हैं। साथ में अयोध्या में बीजेपी की हुई हार पर भी योगी को आईना दिखा रहे हैं। पूरा चुनाव जीत, क्योंकि आपके सामने आंकड़े हैं जो रिजल्ट आए हैं, अगर वो आंकड़े या देख लिए जाएं तो बहुत समाजवादी पार्टी के पक्ष में मान तो कड़कड़ में है जी। और हमेशा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के हम सब लोगों ने भगवान राम को माना है और मानते रहेंगे, लेकिन असली सेकुलर व्यक्ति और भगवान राम का सेवक चुनाव जीता है और पूरा फैजाबाद मंडल, मतलब आपको आशीर्वाद मिला है वहां से, पूरा भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई है। दरअसल शिवपाल यादव राम की नगरी में मिली सपा की जीत और समूचे उत्तर प्रदेश के जिन आंकड़ों के आधार पर योगी को चैलेंज दे रहे हैं उसमें दम तो नजर आता है, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। यूपी के नतीजों पर नजर डालें तो 80 सीटों वाले सूबे में सपा ने अकेले 37 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। सहयोगी कांग्रेस के खाते में 6 सीट आई है। इस लिहाज से सपा और कांग्रेस ने मिलकर सूबे की आधा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी के 80 में से 80 सीटें जीतने के दावे के बीच उनके खाते में महज 33 सीटें आई है। ये तो हुई एक आंकड़े की बात, यानी सीटों के लिहाज से नंबर वन। अब बात वोट शेयर की भी कर लेते हैं। 37 सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली सपा ने 33.59% वोट शेयर हासिल किया है, जबकि सहयोगी कांग्रेस का वोट शेयर 9.46% है। अगर सपा और कांग्रेस के वोट शेयर को जोड़ दें तो बीजेपी के 41.37% वोट शेयर से करीब 2% ज्यादा है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर शिवपाल सीएम योगी को अभी चुनाव कराने का चैलेंज दे रहे हैं, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के एजेंडे अलग अलग होते हैं, जनता का मूड अलग होता है, लेकिन फिलहाल तो शिवपाल और सपा का जोश हाई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।